देखिए, इस यात्रा का मैं 20 तारीख से हिस्सा रहा हूँ और संभवतः मैं इतने वर्षों से राजनीति में हूँ, कई जगह देखा है। ये उभार लोगों का स्वतः स्फूर्त बल्कि भीड़ कहने का दिल नहीं करता है, मैंने नहीं देखा। तेजस्वी जी अब तक 22 जिले कवर कर चुके हैं और हर जिले में पहले सभाएं हुई। नमस्कार, देख रहे हैं आप चली पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। देखिए, तेजस्वी प्रसाद यादव इन दिनों यात्रा कर रहे हैं। पहले चरण की यात्रा उनकी समाप्त हो चुकी है तो वही दूसरे चरण की यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। इस क्रम में आरजेडी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद मनोज झा की प्रतिक्रिया सामने आई है। साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जिस तरीके से हमारे नेता तेजस्वी यादव सभा कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, उसमें भारी भीड़ देखने को मिल रही है। या जो भीड़ है वो बदलाव है, लोगों का मानना है, निश्चित तौर पर लोगों का मानना है कि रोजगार मतलब तेजस्वी, शिक्षा मतलब तेजस्वी, अस्पताल मतलब तेजस्वी, निश्चित तौर पर बड़ा बदलाव जरूर होगा। ये जो भीड़ है वो संकेत दे रहा है बदलाव का। इसी के साथ साथ मनोज झा क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, पहले आप वो सुने। देखिए, इस यात्रा का मैं 20 तारीख से हिस्सा रहा हूं और संभवतः मैं इतने वर्षों से राजनीति में हूं, कई जगह देखा है। ये उभार लोगों का स्वतः स्फूर्त बल्कि भीड़ कहने का दिल नहीं करता है, मैंने नहीं देखा। तेजस्वी जी अब तक 22 जिले कवर कर चुके हैं और हर जिले में पहले सभाएं हुई, सभाओं के बाद ये तय पाया गया कि 3 तारीख की रैली के मद्देनजर अब हम रोड शो करेंगे। पटना से चल करके कल सुबह जब हम 10 बजे चले पटना से, हम सुपौल पहुंचे हैं रात्रि के 2:30 बजे। इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि इस यात्रा का व्याकरण क्या है। इसमें जो हमको सोचते थे कि हमारे जो पारंपरिक वोटर हैं, हर जाति हर समुदाय की भागीदारी, सबसे ज्यादा युवाओं की भागीदारी है, महिलाओं की, रात में 1:30 बजे भक्तिया ही में मैंने महिलाओं को खड़ा देखा, तो ये अपने आप में एक संकेत है एक बदलाव का। देखिए, कई लोग कहते हैं कि अरे ये क्या बात हुई, ये क्या। सच तो ये है कि तेजस्वी जी ने यहाँ का व्याकरण बदल के रख दिया है। लोग यहाँ मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा नहीं सुनना चाहते, आप वो व्यक्तिगत आस्था का विषय। नौकरी, हर रैली में नौकरी मतलब तेजस्वी, भरोसा मतलब तेजस्वी, बेहतर अस्पताल मतलब तेजस्वी। ये जो सरोकार की राजनीति है जिसमें जो हमारे जिसको हम कहते हैं कि उस तरह के वर्कर, स्कीम वर्कर्स, आशा, आंगनबाड़ी, ममता, रसोईया, उनके मानदेय बढ़ोतरी की बात हो रही है, तो मैं समझता हूं कि ये जो राजनीति में एक बदलाव आया है यहां की सभाओं में, तेजस्वी जी की भाषा में, तेजस्वी जी को जो लोग स्वीकार करते हैं, ये बदलाव लोकतंत्र के लिए उचित है, बिहार के लिए उचित है और इसके सकारात्मक परिणाम लोकसभा से लेकर के विधानसभा चुनाव, चाहे वो जब भी हो, वो आपको बड़े पैमाने पर एक बदलाव की बयार आपको दिखेगी। तेजस्वी यादव की यात्रा को लेकर क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे राज्यसभा सांसद मनोज झा, सुना आपने। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि वो काफी लंबे अरसे से राजनीति कर रहे हैं लेकिन पहली बार उन्होंने ऐसा देखा है कि किसी सभा और रोड शो में हर तबके के लोग पहुंच रहे हैं, काफी भीड़ देखने को मिल रही है और यह जो भीड़ है वो कहीं ना कहीं बदलाव का संकेत दे रहा है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर लोगों का मानना है कि रोजगार मतलब तेजस्वी, शिक्षा मतलब तेजस्वी, अस्पताल मतलब तेजस्वी और यह बदलाव जरूर होगा, कहते हुए नजर आए आरजेडी के वरिष्ठ नेता मनोज झा। इसी के साथ क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे तमाम मुद्दों को लेकर सुना आपने। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। तमाम जानकारी के लिए बने रहें सिटी पोस्ट लाइव के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।